अगली खबर हरिद्वार से है। 1 अप्रैल प्रथम न्यू स्मार्ट वेडिंग जोन चंडी चौराहे ललिता रो पुल मार्ग प्रांगण में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में स्थानीय व्यापारियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से न्यू स्मार्ट वेडिंग जोन के सभी लघु व्यापारियों ने मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती को पत्र लिखकर न्यू स्मार्ट वेडिंग जोन में नगर निगम की ओर से दी जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं को क्रियान्वित किए जाने को लेकर जोन को विकसित कर रही कंपनी किरण सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को निर्देशित किया जाए। किराया रसीद के आदान प्रदान के साथ वेंडिंग जोन में स्थानीय चौकीदार बिजली पानी 24 घंटे लाइव सीसीटीवी कैमरा के संचालन के साथ आसपास अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाना व निगम प्रशासन की ओर से अनुबंध परिचय पत्र लाइसेंस 3 साल के लिए दिया जाना जैसी सुविधाएं दिए जाने की मांग को दोहराया। स्मार्ट वेंडिंग जोन का आज से जो है किराया लागू हो गया है और जो कंपनी इसको विकसित कर रही है वो आज किराया लेने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन हम किराया लेने के लिए तमाम हमारे जो यहाँ के किराएदार हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, जो भी हमारे यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं वो तैयार हैं। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो समय पर यहाँ पर जो है कूड़ा नहीं उठता और समय पर जो है बिजली है, पानी है और सीसीटीवी कैमरे हैं जिनका संचालन जो है ऑनलाइन अभी चालू नहीं हुआ है। और आसपास की जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण हो रखा है, अवैध पार्किंग चल रही है, जिसके कारण जो है हमारे तमाम स्थानीय व्यापारियों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और आसपास के 200 मीटर की जो अवधि है, 200 मीटर का जो क्षेत्र है वो भी मैं समझता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, ताकि जो स्मार्ट वेंडिंग जोन का उद्देश्य है, स्मार्ट वेंडिंग जोन का जो लक्ष्य है राज्य सरकार का, भारत सरकार का और नगर निगम का, वो मैं समझता हूँ कि एक मॉडल वेंडिंग जोन के रूप में ये विकसित होना है। जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं वो शीघ्र से शीघ्र प्रदान की जाएं, ताकि जो है तमाम हमारे जो इस क्षेत्र के स्मार्ट वेंडिंग जोन के जो हमारे व्यापारी हैं स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार कर सकें और आने वाले जो तीर्थयात्री हैं और आने वाले जो यहाँ पर तीर्थ श्रद्धालु हैं एक अच्छा संदेश लेकर जाएं कि नगर निगम द्वारा वहाँ तमाम रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के संरक्षण में, राज्य सरकार के संरक्षण में नगर निगम द्वारा एक अच्छी व्यवस्था की गई है, ताकि वो भी अपने राज्यों में जाकर जो है इस बात को दोहराएं कि जिस प्रकार की नगर निगम हरिद्वार की व्यवस्था है इसी प्रकार की व्यवस्था जो है अन्य राज्यों के जो यहाँ पर सैलानी आते हैं वो अपने क्षेत्रों में बात उठाएं, ताकि ये उपलब्धि के रूप में हमारा जो ये स्मार्ट वेंडिंग जोन है एक मॉडल के रूप में पूरे भारत के अंदर एक नई पहचान बना सके।